सांपों के खौफ से कौन वाकिफ नहीं है। जहाँ एक कोबरा स्नेक अपने जहर से आपको मौत की नींद सुला सकता है, वही एक एनाकोंडा या जायंट बोआ जैसे सांप आपको निगल भी लेंगे। मगर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो खतरनाक होता है उसका खतरनाक दिखना भी जरूरी है। इन सांपों में से कुछ तो इतने खूबसूरत होते हैं कि इन्हें देखते ही आपको इन्हें खिलाने या अपने गले में टांग कर सेल्फी लेने का मन करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं खूबसूरत सांपों की दुनिया की ओर इस वीडियो के साथ। नंबर 10, किंग कोबरा। अगर बात की जाए दुनिया भर में पाए जाने वाले सबसे जहरीले और बड़े सांपों की, तो उनमें किंग कोबरा का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन ये सांप जितना बड़ा और जहरीला है उतना ही ज्यादा खूबसूरत भी। ये सांप येलो, ग्रीन, ब्राउन और ब्लैक कलर के होते हैं और इन्हीं कलर्स की वजह से ये सांप बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। इन सांपों की लंबाई 20 फीट तक हो सकती है और ये खूबसूरत सांप साउथ इंडिया में बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। ये सांप जहरीले भी होते हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती की वजह से लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। खाने के मामले में ये सब बहुत बड़े पेटू होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सांप चूहों के साथ साथ ये दूसरे सांपों को भी खाना पसंद करते हैं। और क्योंकि ये सांप बहुत ही बड़े और रंग बिरंगे होते हैं, इसीलिए इन सांपों को देखते ही लोग अपनी आंखें सेकने लगते हैं। नंबर 9, रेड हेडेड ग्रेट स्नेक। इन सांपों का सर लाल रंग का होता है और इनके लाल रंग के सर की वजह से ही इनको अपना ये नाम मिला है। अपने लाल सर की वजह से ही इन सांपों की खूबसूरती बढ़ जाती है। ये सांप थाईलैंड की पहाड़ियों में पाए जाते हैं और लगभग 7 फीट तक लंबे हो सकते हैं। अपना पेट भरने के लिए ये सांप दूसरे सांपों को भी खा सकते हैं। हालांकि ये सांप जहरीला तो होता है, पर इससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सांप के काटने से आज तक किसी भी इंसान की मौत नहीं हुई है। लेकिन फिर भी इन सांपों को देखते ही हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। नंबर 8, ब्लू रेसर स्नेक। चमकीले और नीले रंग का दिखने वाला ये सांप बहुत ही खूबसूरत होता है, जो कि बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है। पेनिनसुला के आसपास के नमी वाले इलाकों में ये सांप पाए जाते हैं, जिसमें नदी और तालाब जैसी जगह इनकी फेवरेट है। इन सांपों की लंबाई की बात की जाए तो इनकी लंबाई 36 से 60 इंच तक हो सकती है। खाने में ये सांप चूहे और छिपकलियां खाने के साथ साथ छोटे मोटे जीव खाना भी पसंद करते हैं। लगभग 10 सालों तक जिंदा रहने वाले सांप 12 से 16 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागकर अपने शिकार का पीछा कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि जिस वक्त ये सब भाग रहे होते हैं, उस वक्त इनकी खूबसूरती सच में देखने लायक होती है और इसीलिए ये सांप अक्सर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। नंबर 7, ग्रीन ट्री पाइथन। पेड़ों पर रहने वाला ये हरा भरा सांप सच में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ये सांप लगभग 6 फीट तक बड़े हो सकते हैं। ये सांप अपना ज्यादातर समय पेड़ों पर ही बिताते हैं। दूसरे सांपों से अलग ये सांप पेड़ों पर एक कॉइल की तरह डायमंड शेप में बैठते हैं, जिसमें ये अपने पूरे शरीर को पेड़ की ब्रांच पर लपेट लेते हैं। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर अपनी ग्रिप बनाने के लिए ये अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरे जानवरों को लालच देकर अपनी पूंछ को बार बार हिलाते हैं और जैसे ही कोई चूहा या छोटा दिखने वाला जीव इनके पास आता है, ये तुरंत ही उस पर झपट पड़ते हैं और अपने शिकार का गला घोटकर उसे मार देते हैं। मेटिंग के बाद एक फीमेल 5 से 35 अंडे देती है, जिसके अंदर से खूबसूरत हरे और चमकीले रंग के बच्चे निकलते हैं। नंबर 6, ग्रीन कील बैक। अपने हरे रंग और नुकीली पूंछ की वजह से इन सांपों का ये नाम पड़ा है। ये साउथ इंडियन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते, लेकिन इसके बाद भी अक्सर इनको मार दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके हरे रंग की वजह से लोग इन्हें ग्रीन पिट वाइपर स्नेक समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीले सांप होते हैं और इसीलिए ये सांप आए दिन मारे जाते हैं। वैसे अगर इन खूबसूरत सांपों की लंबाई की बात की जाए तो ये लगभग 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं और ये ज्यादातर बारिश के समय ही दिखे जाते हैं। ये सांप फ्रॉग्स, रैट्स और लिजर्ड्स को खाकर पेट पूजा करते हैं। नंबर 5, व्हाइट स्नेक। इन सांपों को मिल्क स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाए जाने वाले ये सांप अपने अंडों से निकलने के बाद काफी अलग अलग रंगों के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं, इनका रंग भी पूरी तरह से सफेद होता जाता है।
सफेद रंग के दिखने वाले ये सांप शायद दुनिया के सबसे खूबसूरत सांपों में से एक है, लेकिन इनकी खूबसूरती की वजह से ही अक्सर ये लोगों का शिकार बन जाते हैं। शायद इसी वजह से पूरी दुनिया भर में इन सांपों की तादाद बहुत ही कम बची है। वैसे ये सांप बहुत ही जहरीले भी होते हैं, लेकिन ये तभी काटते हैं अगर इनको कोई छेड़ता या परेशान करता है। इन सांपों की लंबाई 1.3 मीटर तक हो सकती है। अगर हमने इन खूबसूरत सांपों का शिकार कम नहीं किया तो जल्द ही ये सब हमारे बीच से पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। नंबर 4, रेनबो स्नेक। क्या आपने कभी ऐसा सांप देखा है जो बिल्कुल रेनबो की तरह दिखता हो और उसमें एक रेनबो की तरह ही सातों रंग भी हो? दरअसल इस सांप का नाम रेनबो स्नेक है, जिसमें रेनबो की तरह सात रंग है, जिसमें इसकी पीठ पर नीला और काला रंग है। ये बहुत ही ज्यादा चमकीला सांप है। अगर लंबाई की बात की जाए तो ये सांप लगभग 166 सेंटीमीटर तक बड़े हो सकते हैं। अक्सर इस सांप को पानी के आसपास ही देखा जाता है और इसीलिए ये फ्रॉग्स और फिश को खाना पसंद करते हैं। हालांकि ये सांप बहुत ही ज्यादा शर्मीले होते हैं, इसीलिए इनको देखना भी मुश्किल होता है। इन सांपों के कम दिखने का कारण ये भी है कि पिछले कुछ सालों से इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। ये सांप 19 साल तक जी सकते हैं। नंबर 4, एमरल्ड ट्री बोआ। ब्राजील के रेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले ये सांप बहुत ही रेयर स्पीशीज है, जिनका कलर ग्रीन होता है और इनके ग्रीन कलर की स्किन पर व्हाइट स्पॉट्स भी बड़े होते हैं। शायद इसी कलर कॉम्बिनेशन की वजह से ये सांप दुनिया भर में पाए जाने वाले सबसे खूबसूरत सांपों में से एक है। ये ग्रीन कलर के सांप हरे भरे पेड़ों पर पाए जाते हैं और ये अपने दिन का ज्यादातर समय पेड़ों पर ही बिताते हैं, पर रात होते ही ये सांप एक शिकारी जीव बन जाते हैं, जिसके बाद ये चूहे और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को मारकर हजम कर जाते हैं। शिकार करने में इन सांपों के दांत इनकी मदद करते हैं, पर इनमें किसी भी तरह का जहर नहीं पाया जाता। इन सांपों की लंबाई 2.2 मीटर तक हो सकती है और उनका वजन 1.5 किलो तक हो सकता है। नंबर 3, टाइगर कीलबैक स्नेक। काली और पीली धारियों वाला ये सांप ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और जो भी इस सांप को देखता है इसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है। लेकिन आपको बता दे कि ये सांप बहुत ही ज्यादा जहरीला भी होता है और इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है। अगर गलती से भी सांप ने किसी को भी काट लिया तो उसका 24 घंटे में मरना तय है। ऐसे इंसान का जल्दी से जल्दी इलाज कराना चाहिए। भगवान का शुक्र है कि ये सांप हमारे देश में नहीं पाया जाता, लेकिन एक बात ये भी है कि ये सांप किसी को बेवजह नहीं काटता। अगर कोई सांप को छेड़ता है उसके बाद ही ये अपने बचाव में जवाबी हमला करता है। इनकी लंबाई 60 से 100 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है। ये सांप अपने आप में बहुत ही अनोखे होते हैं। नंबर 2, ब्लैक मांबा। अफ्रीका में पाए जाने वाले सांप का मुंह अंदर की तरफ से काला होता है, इसीलिए इनका ये नाम पड़ा। ब्राउन कलर का दिखने वाला ये सांप बहुत ही खूबसूरत होता है और लगभग 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये सांप भागकर अपने शिकार का पीछा भी कर सकता है। ये सांप भले ही जहरीले हो, पर इनकी खूबसूरती अपने आप को माहौल के हिसाब से पूरी तरह से ढाल लेने में है, जिसकी वजह से ये जल्दी किसी को नजर नहीं आते। इनकी लंबाई लगभग 14 फीट तक हो सकती है और ये 11 साल या उससे भी ज्यादा समय तक जी सकते हैं। तो कभी आपका अगर इस सांप से आमना सामना हो जाए तो इसकी खूबसूरती दूर से ही देखकर खुश हो जाइएगा, पास मत जाइएगा, वरना सांप आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। नंबर 1, ड्रैगन स्नेक। साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाने वाला इस सांप का सर एकदम ड्रैगन जैसा दिखता है और इसी वजह से इस सांप का नाम ड्रैगन स्नेक पड़ा है। ये सांप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, पर ये अपनी खूबसूरती के साथ साथ बहुत ही अलग भी होता है, क्योंकि जहां दूसरे सांपों की स्किन एकदम चिकनी होती है, वही इन सांपों की पीठ पर क्रोकोडाइल की तरह कांटे जैसे निकले होते हैं। अगर बात की जाए इन सांपों की लंबाई की तो ये सांप लगभग 24 से 30 इंच तक लंबे हो सकते हैं और इनका कलर ग्रे होता है। ये सांप बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते। खाने की बात की जाए तो ये सांप छिपकलियों और छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के साथ साथ मछलियां व मेंढक भी खाते हैं। ज्यादातर ये खूबसूरत सांप पानी के आसपास ही पाए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा स्नेक आपको सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दे, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।